पंख फैलाए उड़ता है जब पंछी नीचे देखे, जो बीज बोया था सदियों पहले पेड़ बनकर है फैले। कच्ची जो पगडंडी थी अब मीलों लंबी सड़क है, तरक्की की राह पे निकला इंसान। ये सब तो बदलता समय है, ये सब तो बदलता समय है। अल्फाज मेवात पिछले 8-7 साल से काम कर रहा है और लगातार समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है। समुदाय में जो महिलाएं हैं उनके साथ हम लगातार FGD वगैरह करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं किस तरह की उनकी दिक्कत है, उनका विश्वास हमने जीता है तब जाके वो हमारे पास कॉल करने लगी हैं। हेलो हेलो, हाँ जी मैं बोल रही हूँ नजमा, मुझे कोरोना के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे कैसे बचाव हुआ है? कोरोना से बचने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाना है और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोने हैं और साफ सफाई पर ध्यान देना है। पहले गाँव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, बाहर निकालना पसंद नहीं करते थे, और अब जब से ये रेडियो सुना है तो घर घर में रेडियो सुना जाता है, लड़कियां भी सुनती हैं, हम औरतें भी सुनती हैं, तो सबको ये सुनने को मिला है कि भाई शिक्षा जो है वो बहुत अच्छी, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आती है। अब बहुत सुधार आ चुका है, हरी सब्जी भी खाती हैं, टीकाकरण करवाती हैं और अस्पतालों में भी डिलीवरी करवाती हैं। और स्वास्थ्य पहले बहुत बच्चे मर जाते थे, अब बहुत सुधार आ चुका है। आपके गांव में स्कूल है? गांव में जाते हैं हम, उनसे पूछते हैं, जो प्रोग्राम उन्हें पसंद होता है वो कॉल पे बताते हैं हमें, अपनी परेशानियां भी बताते हैं, जिस चीज़ के बारे में उनको नहीं पता होता फ़ोन के जरिए हमसे पूछते हैं। रेडियो को सुन के बहुत लोगों में जागरूकता आ गई है। दोस्तों मैं हूँ आपका साथी फाकत हुसैन, इस्तकबाल करता हूँ आप सभी का कार्यक्रम बदलता समय में। अल्फाज मेवात से मेवात की दूसरी महिलाओं की बात सुनती है तो उनमें हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। ये एक अच्छा सकारात्मक परिणाम है अल्फाज मेवात की जो कार्यक्रम है। अच्छे प्रोग्राम हैं वो लोग और पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा बताते हैं, हेल्थ से रिलेटेड बताते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी है, मैं सुनती हूँ उनको और बहुत सी जानकारी हम अपने घर में भी फॉलो करते हैं। रेडियो से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती मिल रही है और ऐसे ही मिलती रहे।